अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और पियेंगे पानी? माँ चीकू, लगता है कमरे से बाहर भागने के लिए उस बहरूपे ने ये कारनामा किया है। संभल कर गुलू बे, चलिए बाहर। आराम सब संभाल लीजिए। ये चोट आपको कैसे लग गई? राधिका कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट है, कुछ नहीं हुआ। बेटा ठीक है ना? मुन्ना तू भी ना ध्यान नहीं रखता है अपना। पता नहीं ये शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया। उस सॉकेट को देख के लग रहा था किसी ने जानबूझकर छेड़खानी की है उसके साथ। चूहा होगा, पक्का चूहा ने किया होगा। राधिका कम से कम स्टोर रूम लॉक करने से पहले अच्छे से सफाई तो करवा लेती उसकी। हाँ अगर अभी बड़ा हादसा हो जाता तो वो अरे राधिका वो नौकरानी कहाँ पे है? अब उसे अच्छे से साफ सफाई करवा लेना फिर ही लॉक करना। हाँ पर वो है कहाँ? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना सब कुछ हो गया पर उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। वो दरअसल वो ना आग लग गई ना तो पानी भर रही थी, हम जाकर मना करते। धर्म जी आप रुकिए, हम आते हैं फिर आपके हाथ में दवाई लगा देते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। वही कहाँ वो बहरूपे, घर में है या भाग गई? जैया रे जैया, आज तो बच गए हम। इससे पहले वो असली राधिका मेरा पर्दाफाश करे मैं उसको ही फंसा देती। अच्छा हुआ मेरा फोन किसी के हाथ नहीं लगा। हेलो, तुमसे कह के गए थे ना कि जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुलाऊंगी, अब तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, जल्दी से आओ और अपना काम खत्म करो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। तफिम जी आप भी ना, आपको एकदम से ऐसे स्टोर रूम में जाने की क्या जरूरत थी? तो भोलेनाथ की कृपा से आपको थोड़ी सी चोट लगी, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो। वैसे अच्छा ही हुआ ना चोट लगी, उस बहाने कम से कम तुम मेरे करीब तो आई। ये फोन को हमेशा गलत टाइम पे ही क्यों बजना होता है? क्या हुआ दर्जन जी? तुम खुद ही देख लो। आपको हमारी सालगिरह याद रखने के लिए रिमाइंडर लगाने की जरूरत पड़ रही है? जाइए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। राधिका obviously मुझे एनिवर्सरी याद थी, वो तो मेरी याददाश्त हो गई थी ना, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं एनिवर्सरी भूल जाऊं कुछ भी हो जाए, इसीलिए रिमाइंडर रखा। ओके देखो मैं ना अपनी एनिवर्सरी एकदम स्पेशल तरीके से मनाना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारी एनिवर्सरी एकदम स्पेशल और खास तरीके से सेलिब्रेट करें, ग्रैंड, जैसे कि एक बड़ा सा झूमर होगा।
हमें दिव्यम जी को उस बेरूपी के बारे में बता देना चाहिए, वरना जब तक वो मिलेगी नहीं हमें टेंशन ही रहेगी। कहाँ खो गई तुम? मैं कब से बोल रहा हूँ, तुमने सुना कुछ मैंने जो भी कहा? सॉरी दिव्यम जी, वो दरअसल हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये लो, मतलब मैंने यहाँ एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करनी है इसकी पूरी गाथा गाली, और तुम हो के बस अपने ख्यालों में खोई हुई, तुमने कुछ सुना भी नहीं। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है राधिका, तुम ना एकदम अनरोमांटिक हो। जब भी मैं कोई प्यारी बात करता हूँ तुमसे, तुम्हें बस कोई ना कोई बात मुझे न्यूज रिपोर्टर की तरह बतानी होती। ठीक है, बताओ, मैं सुनूंगा। मुझे हमें ये कहना था कि पिछले कुछ दिनों से ना अमरी कमर कली भाभी। चलो अमरी कमर कली, क्या हुआ तुम्हें? पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे भत्रो, क्या हुआ कली भाभी? पीठ में दर्द हो रहा है। हे भगवान, कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है? गुलू भाई, आप एक काम कीजिए, कली को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए फौरन। अरे बस बस बस, तुम लोग इतना मत परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रेगनेंसी में इस तरह से पीठ दर्द होता रहता है। अब कली तुम जाकर के आराम करो, और राधिका बेटा तुम जाकर के कली के लिए तेल बना लो, उसमें तुलसी लौंग, उसमें थोड़ी सी कपूर और अजवाइन भी डाल देंगे, ताकि कली भाभी को दर्द में आराम मिल जाए। अरे वाह, सही है, जाओ लेकर आओ। जी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। कली चलो आराम करो, रूम में चलो, ध्यान से लेके जाना। हाँ। इस नकली राधिका को आयुर्वेदिक तेल के बारे में इतना कैसे पता? एक पल के लिए लगा कि ये असली राधिका है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है। ये तो हमारे परिवार वालों की फोटो है, ये किसने किया? कहीं वो नकली राधिका आसपास तो नहीं है? रहमान धागा प्यार का जो तो उड़े चटकाए। जोड़े ते भी फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए कबीरा, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये गाड़ी कहाँ चली गई? दुश्मन घर के अंदर ही है, मुंह में राम है और बगल में छुरी है। ये
बाबा आपको ये सब कैसे पता? बाबा सब जानते हैं, चेहरा एक लेकिन इंसान दो। एक का मन अति सुंदर और दूसरे का काला बवंडर। गोलमाल है, सब गोलमाल है। इन बाबा को इतना कुछ कैसे पता? कहीं ये उस नकली राधिका के साथी तो नहीं? इनके लिए तो कहीं उसने हमें कार के जरिए बाहर नहीं बुलाया? जल्दी कुछ करो। एक काम करो, जल्दी से लेकर जाओ इसको। चलो चलो जल्दी। जल्दी लेकर जाओ ना, एक बोरी नहीं खींची जा रही। अरे बिल्कुल तुम्हारी तरह है, आलू की बोरी हिली नहीं रही मेरे से। मतलब तुम्हारी जितनी भारी नहीं है, ये अकेले से नहीं हिल रही मेरे से। अच्छा रुको, हम तुम्हारी मदद कर देते, तुम इसे फटाफट से टेम्पो में भरो। आजा आजा। तो कोई भी नहीं है। दिव्यम जी, आजकल तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो मधुमक्खी आ गई थी ना, तो हम डर के उससे छुप गए थे। ये देखिए, हमें काट भी लिया मधुमक्खी ने। तुम छुपी हुई थी, चीख रही थी तुम राधिका, मुझे लगा पता नहीं क्या ही हो गया तुम्हें। चलो तुम घर में। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। असली राधिका का काम तो हो गया, अब हम अपने काम को अंजाम दे देते हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं 2 से 9 मिलाए के सारे शानदार एपिसोड्स।
संभाल कर, संभाल के, संभाल के। ज्यादा होशियारी करोगे ना तो इस उबलते हुए पानी में अंडे की तरह उबल जाओगी। नमूना देखोगी, देखना है? देखिए प्लीज प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। आपको आपको जो चाहिए ना हम आपको दे देंगे, लेकिन आप बस एक बार हमारी देवी जी से बात करा दीजिए प्लीज। कराते जरूर कराते। दिल खोल कर बात कर लो अपने दिव्यांग से। चलिए राधिका, लेकिन अरे सवाल आराम से, सवाल बाद में कीजिएगा। राधिका ये क्या है, कहाँ ले जी? बस दो मिनट रुकिए। क्या है ये सरप्राइज? जी बताते हैं, रुकिए। हवा के खोलूं? देखिए राधिका, ये सब क्या है? दिव्यम जी, इतना समय हो गया हम किसी रोमांटिक डेट पर नहीं गए, तो हमने सोचा क्यों ना घर में एक छोटी सी रोमांटिक डेट की जाए। मानना पड़ेगा राधिका पंसल, अब फाइनली तुम्हें थोड़ा थोड़ा रोमांस करना आ रहा है। आई बैठी। विवियन जी, आज ना हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। शिवम जी प्लीज प्लीज अपने मन की आंखों से देखिए, अपने मन की कोई नहर रुपया है। जी? कुछ तो अजीब सा लग रहा है, पर क्या? विवियन जी क्या हुआ? वो इसके साथ अगर कोई जूस होता ना तो मजा आ जाता राधिका। क्या हुआ? अरे बस इतनी सी बात। हाँ। हम अभी जाकर लेकर आते हैं। परफेक्ट। राधिका तुम
और ये बेरुपिया हमें दिव्यम जी हमारे परिवार से दूर रखने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे क्योंकि भोलेनाथ कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। चुप। क्या करती हो तुम राधिका? यहाँ से चलना चाहिए था ना। क्या हुआ देवरानी जी? क्या हो गया? क्या हुआ राधिका? लगता है मोच आ गई है दादी। अरे पर मोच आई कैसे? बोलिए देवर जी, सुबह तो देवरानी जी इतनी खुश थी और अब अचानक से ही मोच। खुश थी? किस बात के लिए खुश थी? मैं नहीं पता। तुम्हें पता नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे ताना दे रही थी राधिका कि मुझे एनिवर्सरी याद नहीं है और तुम खुद भूल गई। ओह, तो इस प्रेमी जोड़ी की सालगिरह आ रही है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कुछ तो बड़ा करना ही हो। मैं यहाँ से निकलना होगा। प्लीज भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैं अपने दिव्यम जी के पास जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच भोलेनाथ। हमें जल्दी से दिव्यम जी के पास पहुंचकर उस बेरुपये का पर्दाफाश करना होगा।